अज असी अमृतसर के गोल्डन गेट तो जिहड़ा वा दिल्ली धरने की तैयारी करके इतों जाण वास्ते जिहड़ी आ तैयारी की असी इकट्ठे होए हाँ, क्योंकि जिहड़ा तीन खेती बिल आर्डीनेंस जिहड़ा मोदी सरकार ने लिया के किसानां उत्ते थोपण की तैयारी आ उहनूं रद्द करवाउण वास्ते जिहड़ा वा असी इतों तैयारी की आ, ते दिल्ली तो जा के धरना ला के ते मोदी सरकार की धौण ते गोडा रख के ये जिहड़े वा बिल रद्द करवावांगे उहदी तैयारी च असी इत्थे जिहड़े इकट्ठे होए हाँ। पूरा राशन पानी लै के छिया छिया महीनों का राशन पानी के सारे प्रबंध जिहड़ियां रोज़ दियां लोड़ीदियां चीज़ां ने सारियां इकट्ठियां करके असी तो लै के तुरे हाँ, तो ये तो अगे भी लोड़ पेगी तो होर पहुँचाते रहेंगे। बिल्कुल वड्डी तैयारी के नाल असी इतों जिहड़ा जथा वा वो लै के दिल्ली नूं कूच करना। जिहड़ा हरियाणा की खट्टर सरकार वल्लों ये किसानां दे अंदोलन के उत्ते कहर किया तशद्दुद किया लाठीचार्ज जिहदा पानी दियां विछाड़ां मारियां जां रोकां लाईयां वड्डियां वड्डियां, असी खट्टर सरकार की सख्त शब्दां दी निखेधी करते हाँ। ते नाल कहिंदे वी मोदी सरकार की शह ते ही खट्टर सरकार ये रोकां ला रही आ, कि पंजाब के किसान जिहड़े आ बहादुर लोग आ एक ते दिल्ली वल नूं कूच ना के ना रस्ते विच ही रोकिया जाए, पर बहुत वड्डे पद्धर ते हरियाणा सरकार दियां रोकां जिहड़ियां वा उहनां नूं उहनां दी बिना परवाह कीतिया किसान रोकां तोड़ के जिहड़ा वा दिल्ली वल नूं कूच कर गया। ये मोदी सरकार दे सोचदा विशा वा भी ये उहदियां निक्कियां निक्कियां रोकां लाईयां, ये कदे भी किसान रोह नूं जिहड़ा वा ठिल नहीं सकदी। देखो जी, मोदी सरकार लख नूं कर ले, दो लख नूं कर ले, जिन्ना मर्जी कर ले, लखां लोग जिहड़े आ दिल्ली नूं कूच करनगे। ये गिरफ्तारियां तो कदे भी नहीं डरदे, जे गिरफ्तारियां तो डरना तो असी 7 सितंबर नूं इतों अमृतसर तो डीसी दफ्तरां तो जेल भरों मोर्चा शुरू किया, असी कहा जी सानूं करो गिरफ्तार लै जाओ जिन्ने चाहिए आ, पर सरकार ने हथ खड़े कर दिते आ। ये लख की जिन्ने मर्जी यहो जे ड्रामे तो पंजाब के लोग जिहड़े आ नहीं घबराउंदे, देश के लोग नहीं घबराउंदे, देश के लोगों ने अपने हितों की राखी लिए लड़ना वा। ये जिन्नियां मर्जी जेलों के लै जाए, जेलों के भी असी जिहड़ा वा अपने अंदोलन जारी रखांगे, तो मोदी सरकार नूं झुका के ही जिहड़ा वा दम लवांगे। हक ते सच की खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।